पानी भरने से ग्रामीण परेशान, गलियों में धान रोपाई कर जताया प्रतीकात्मक विरोध। देखिए खबरें आज भी की रिपोर्ट। यह मामला जमनिया तहसील ब्लॉक जमनिया अंतर्गत ग्राम पंचायत बदौरली के पूर्वा मोहल्ला तेलिया मोहल्ला में एक पोखरी स्थित है, जिसमें बरसात का पानी भर जाने से पूरे बस्ती में घुटने तक पानी लग गया है, जो कि पूरे बरसात में कई महीनों तक लगा रहता है। बस्ती के पुरुष, बुजुर्ग, महिला व बच्चे अपने दैनिक कार्यों के लिए इस पानी में आने जाने को मजबूर हैं, जिससे गांव में कई बीमारियों के फैलने का डर है। इसके साथ ही पानी लगने की वजह से कई मकान जमीन ध्वस्त हो गए हैं, जिससे परिवार बेघर हो गए हैं। अभी तक मकान पानी लगने में के वजह से गिरने की स्थिति में है, जिससे किसी बड़े हादसे का डर लोगों में हमेशा बना रहता है। जहां सरकार एक तरफ कोरोना वायरस, संचरी रोग, मलेरिया इत्यादि रोगों को बचाव करने के लिए गांव में सफाई अभियान चला रही, वहीं दरौली के लोग गंदे पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने हेतु समाज सेवी आकाश यादव के नेतृत्व में दरौली के युवक ने मिलकर गलियों में धान रोपाई कर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया तथा उसके साथ जमनिया SDM महोदय के पास पानी की निकासी हेतु कोई व्यवस्था बनाने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ये नरक मचा हुआ है एकदम। खरी के पानी के वजह से सभी के घर में पानी घुस गया है। हम लोगों को भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें आने जाने से बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस पानी का जल्द से जल्द निवारण करें। गंदगी भी बहुत हो गई है, इसलिए बीमारी भी फैलने की आशंका है। पूरा गांव के कचरा इसी में आता है, इसलिए आप लोग सरकार से हमें निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका कोई निवारण और व्यवस्था किया जाए। बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे यहाँ माननीय प्रमुख जी का ये वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है, इसी वार्ड से वे चुनाव जीते हैं। यहाँ से सीमा जी भी क्षेत्र पंचायत है और आज तत्काल में वो जमानिया के निर्विरोध प्रमुख है, लेकिन उनसे कई बार मैं अवगत कराया हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है और मैंने इन लोगों से वादा किया था कि घोषणा पत्र में हम लोग का है, लेकिन उन्होंने 5 साल बीत गया कोई काम नहीं किया। और माननीय हमारे जिला पंचायत की हालत यही है, प्रधान जी तो कभी ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं कि प्रमुख जी से काम कराएं, प्रमुख जी यहाँ से जीते हैं और प्रमुख जी का क्षेत्र है, न प्रमुख ध्यान देते हैं न प्रधान ध्यान देते हैं, जिला पंचायत तो कभी मिलने ही नहीं आते। सर हमारा भी दीवार दुतल्ला का मकान है, पूरा एकदम पूरा पानी में डूब गया है, मेरी गाड़ी भी सब खड़ी है, पूरा गाड़ी पानी में डूबी हुई है। इसका कुछ निर्धारण हो, हमारा द्वार का भी चाहे रोड का भी नाली बनाकर पानी का इसका निकासी करें। धन्यवाद सर। हमारे भी घर सामने ही है, आप देख ही रहे हैं हमारे घर में लगभग पानी लगा हुआ है गढ़ी का, और घर गिरने के वजह थूपे हैं, और हम चाहते हैं कि इस पानी का निकासी जल्द से जल्द हो। हमारी सरकार से यही अपील है।